सभी को जय हिंद जय भारत देशभक्ति जनसेवा। दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की जो भर्ती होती है उसमें हमारे युवा कौन सी 5 महत्वपूर्ण गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बाहर हो जाते हैं या अन्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है, मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। तो मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बता रहा हूँ जो आप लोग कहीं ना कहीं करते हैं। दोस्त आप दौड़ते अच्छे हैं, आपका स्टेमिना अच्छा है, आपका शरीर तगड़ा है, लेकिन आप किसी न किसी गलती की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो क्या वो समस्या है मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले शरीर आपका तगड़ा है, बहुत मजबूत है, आप अच्छा दौड़ते हैं। पहला गलती मैं बता रहा हूँ दोस्त, आप बाजार में जाते हैं, दोस्तों के जाते हैं, टैटू बुधवा के आ जाते हैं, हाथ पे नाम लिखवा के आ जाते हैं। तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है। यदि इस प्रकार की कोई युवा गलती करता है तो उसको रोकना भी है, क्योंकि वो समस्या उसके करियर को बर्बाद कर देगी। आपने देखा होगा कहीं पे भी, जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि हाथ के नीचे कोहनी के नीचे टैटू अलाउ है। दोस्तों ये कंपटीशन का जमाना है, इस कंपटीशन के जमाने में आप अगर जरा सा ए भी लिखवा लिया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपटीशन एक के लिए हजारों पद खाली पड़े हैं दोस्तों, सॉरी हजारों लोग तैयार रहते हैं एक पद के लिए। तो जरूरी थोड़ी कि वो आपने ए लिखवा लिया इसलिए आपको अंदर कर दिया, अंदर ले लिया जाएगा, क्योंकि 10 लोग खड़े हैं लेना एक जने को है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो आपको आपको वो ए लिखा हुआ इसलिए आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो हम और आगे बढ़ते दोस्तों, तो आप कभी भी जाए दोस्तों, आपका शरीर अच्छा है, तगड़ा है, तो इस मोह माया में, टैटू के मोह माया में ना आए। टैटू के मोह माया से आप बच गए तो आपका जीवन आगे क्लियर है, आप टैटू जैसी समस्या आपके सामने नहीं होगी। और यदि कोई छोटा बच्चा भी इस प्रकार से कोई गतिविधि करता है तो उसको आपको रोकना है। दूसरा, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन दोस्त के साथ धूम्रपान कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, अपना शरीर तगड़ा है, पार्टी में गए, दोस्त के साथ अगर बर्थडे मनाया है तो आप इस प्रकार की हरकत नहीं करें। जाके आपने सिगरेट फूंक ली, बीड़ी पी लिया, या हो सकता बियर पी लिया, दोस्तों धीरे धीरे आपकी नशीली आदत बन जाएगी। आपका शरीर तगड़ा है, मजबूत है, आपको उस समय उसकी कीमत नहीं पता चलेगी। ओरिजिनल कीमत उस दिन पता चलेगी जिस दिन आपने मम्मी पापा को भी सपने दिखाए थे और अपने दोस्तों को भी दिखाए थे और अपनी मेहनत आपने खूब की, पूरा साल अपन ने रगड़ रगड़ के दौड़ा, पूरा पसीना बहा दिया, लेकिन एंड टाइम पे क्या हुआ दोस्त, आप भर्ती देने गए, 1 सेकंड 2 सेकंड से रह गए, सर 4 ही लिए मेरे, इसमें मेरा 5वां नंबर था। तो दोस्त ये वाली मेहनत आपकी वहां काम नहीं आती है। कौन सी, जो आदत है आपकी बीड़ी पीने सिगरेट पीने की, ये 2 आदत हो गई। तीसरी आदत मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप मेहनत तो करते हैं लेकिन उसमें कंटिन्यूटी नहीं बना के रखते हैं। दोस्तों को जाके बोलते हैं यार, अधिकतर दोस्त आपको बोलते हैं तेरा तो फिक्स है, क्या बोलते हैं भाइयों, तेरा तो फिक्स है, तेरा तो होना ही है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप में अपन गर्व महसूस करने लग जाते हैं कि यार मैं 10 लड़कों में टॉप दौड़ रहा हूं, अच्छा टाइमिंग आ रहा है, ये आ रहा है। आप उनके बहकावे में आ जाते हैं और आप मेहनत जो आपकी पहले अच्छी करते थे वो मेहनत आप कम कर देते हैं, और उसी कम की वजह से आप कहीं ना कहीं आप भी बाहर हो जाते हैं। आप बाहर इसलिए हो जाते हैं कि आप बहकाव में आके मेहनत कम कर देते हैं और वहां कहीं 2 सेकंड 3 सेकंड या हो सकता है 10-12 सेकंड से आप रह जाते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे मोबाइल सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, आपका फिटनेस बढ़िया है, सब कुछ है, आपकी फ्रेंड सर्कल बहुत तगड़ा है, आपने एयरफोन लगा लिए, दिन भर मोबाइल यूज कर रहे हैं आप दोस्त, आज की फिटनेस के लिए आप इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा। मोबाइल यूज करना है अच्छी चीजों के लिए, पढ़ने के लिए, दिन भर आप पता चला बातचीत कर रहे हैं, फोन पे लगे हुए हैं इधर से उधर, हाँ हेलो, सुबह आप ग्राउंड में तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, शाम को तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल पे लगे हुए दोस्तों, तो उससे आपका एनर्जी बढ़ेगा नहीं, एनर्जी और घटेगा, और बिल्कुल आप ना तो दौड़ दौड़ के ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल आप मेडिकल में ना तो आपका चेस्ट रहेगा ना आपका शरीर रहेगा किसी प्रकार का, आप कहीं से कहीं भले आपका स्टेमिना है लेकिन सामने आपको देखा जाएगा एकदम मुर्गे जैसे सूखे शर्ट दिखेंगे, बोले यार ये इंडियन आर्मी में क्या करेगा। तो मेडिकल में आपको सूखा दुबला पतला देख के ही बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर अच्छा फिटनेस बना के रखना है, मोबाइल का सही से इस्तेमाल करना है, उसमें बहुत सारे जैसे गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो अलग अलग प्रकार के, जैसे दिन भर फ्रेंड्सों फ्रेंड सर्कल में बने रहना, तो इन चीजों को आप छोड़कर आप रेस्ट करें, दिन में जो रेस्ट का समय मिलता है पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद जो शाम सुबह आप जो ग्राउंड का जो तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहें। तो दोस्तों ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ यदि आप इनको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और जो आखिरी का जो महत्वपूर्ण आपको काम मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सारे जो स्टूडेंट रहते हैं, जैसे हस्त मैथुन हो गया, स्वप्न दोष हो गया, ये इन लोगों से, इन वजह से परेशान हो जाते हैं बहुत सारे, जैसे रहते हैं कि सर स्वप्न दोष की वजह से मैं इंडियन आर्मी में दौड़ पाऊंगा कि नहीं दौड़ पाऊंगा।
दोस्तों मैं आपको यही क्लियर करने कर देता हूँ, यदि आपको इस प्रकार की समस्या हो जाती है उस दिन जिस दिन आपकी रनिंग हो, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। यदि आप हिम्मत हार गए तो आप हल्के हो जाएंगे। आपको एक पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा होने से ऐसी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। एक माइंड अपना डाइवर्ट हो जाता है कि यार अब मेरा क्या होगा। तो दोस्त यदि आप अगर ऐसा हो जाता है तो आप पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए। और दूसरा ये है कि ये हरकत करने वाले लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसके लायक नहीं होते हैं। जो डेली अस्त मैथुन करते हैं या फिर उसके अलावा जैसे स्वप्न दोष की बीमारी है या सपने देखते रहते हैं, वो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो यदि वहां तक पहुंचना है तो इन सब चीजों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। और इनसे निराकरण के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है इस पॉइंट के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो उसमें आपको खोल के देख लीजिएगा उसमें क्या करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी 5 बातें आपको पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में उतारेंगे, और किसी प्रकार की अन्य अपने भाई को अगर जरूरत होगी तो आप उस भाई तक पहुंचाएंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा।